गाइस अभी अंधेरा हो गया है तो बिस्मिल्लाह कर देते हैं, क्लियर वाटर को फर्स्ट टाइम चालू कर देते हैं और फर्स्ट टाइम गूगल मैप का नाइट मोड भी एक्टिवेट हुआ है, तो चलो 3 2 1 धमाक। ओहो लास्ट टाइम जब मैं टोरंटो से न्यूयॉर्क के लिए न्यू जर्सी के लिए निकला था तो मैं 10 बजे निकला था और मैं 6:30 बजे पहुंचा था। अभी बज रहे 10:45 और प्रॉब्ली हम लोग 11:30 बजे तक निकलेंगे और लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं, क्योंकि इस बार मैं अकेला नहीं, मैं और शोभित जा रहे हैं। वेलकम बैक टू द चैनल, मैं होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। बढ़िया नींद मिली, लेट सोए लेकिन अच्छे से सोए। अभी बाइक चलाने का पता नहीं, मूड नहीं हो रहा, लेकिन वो बाइक पर बैठने के बाद शायद हो जाए, लेवल नींद मिली ना। आज तो बहुत ट्रैफिक भी होने वाला है, आज ट्रैफिक होने वाला है बिकॉज आज बहुत सारे लोग टोरंटो से कनाडा से जाएंगे अमेरिका की तरफ, क्योंकि न्यूयॉर्क में इंडिया पाकिस्तान मैच है। बहुत भीड़ होगी तो दिमाग खराब हो जाएगा बिकॉज यहाँ लिंक कटिंग करके बाइक को आगे लेके जा सकते हैं। तो भाई साहब चेकआउट तो कर दिया है, थैंक गॉड ये ट्रॉली थी, सामान यहाँ पर लेके आ गए। इतना बड़ा टास्क था सारा सामान रखने का, पूछो मत। और ये जो उंगली कल कटी थी ना, ये बहुत दर्द दे रही थी यार लोड करते टाइम, बट कोई नहीं। और ये जो मेरा बलकलावा है ना, ये मेरे टैंक बैग के अंदर गीला हो गया था, बिकॉज ऑफ कोर्स टैंक बैग बाइक पर लगा हुआ था, जब बाइक चल रही थी तो गीला था ना, इट्स स्मेलिंग, दैट्स व्हाई मैंने धूप में से रख दिया था, सूख जाए। इसको धोके करना चाहिए, शायद मैं भी धोके डालूं। मैं शोभित की बाइक लोड हो रही है इधर और बस निकल जाएंगे थोड़ी देर में। गाइस आपको एक चीज़ बतानी है ताकि आप लोग हंसो, क्योंकि हम तो नहीं हंस सकते। बताओ शोभित, जरा बताइए। बैटरी उतर गई, पूरी बैटरी उतर गई, अब क्या करेंगे? बुलाओ किसी को, कैसे करेंगे? अब इसकी बैटरी उतर कैसे गई मुझे नहीं पता, आई एम गेसिंग कि बिकॉज बहुत सारी ठंडी थी और बाइक इसने एक बार भी कल चालू की थी ना, चालू की तो कैसे उतर गई। और कल एक गाड़ी यहाँ पर, एक गाड़ी चोरी हो गई, पुलिस आई थी। बैटरी तो नहीं चोरी हो गई? अरे बैटरी कैसे चोरी होगी भाई, इसकी चोरी करनी थी। जोर से भाग के देना पड़ेगा, नहीं उधर उधर, अरे उसने कितनी हवा आ रही थी। चलो थ्री भाग रहा, धक्का दे रहा और फास्ट कर। हो गया भाई साहब, हो गया, थैंक गॉड। ये स्लोप थी हमारे पास, बैंड बज जाती। वाह, यहाँ से एयरपोर्ट पे भी बहुत अच्छा मिलता है, अगर ये साइड का रूम मिला होता ना तो बढ़िया होता। कोई नहीं, तो हमारे पास काफ़ी एक्स्ट्रा रैचेट बच गए, हम किसी को दे नहीं पाए। एक्चुअली बख्शीश भाई को दे दिए थे रैचेट, लेकिन ऑफकोर्स कल ऐसा हुआ कि हम बाइक पे जब सामान लोड कर रहे थे तो रैचेट लगेंगे, तो बख्शीश भाई ने पूरा रैचेट का बैग ही भिजवा दिया। अभी रिसेप्शन में छोड़ूंगा ताकि बख्शीश ओम बैग पिकअप कर ले। चीज़ जो कि हमने नहीं किया, करना चाहिए था, कि बाइक वॉश नहीं किया, पूरा विंडशील्ड गंदा है, मिरर्स गंदे हैं, बाइक गंदी है, डिस्क ब्रेक देखो ऐसा है, मतलब इट्स नॉट गुड टू प्रेस ब्रेक लाइक दिस। अभी क्या करें, अभी मौका ही नहीं मिला हम लोगों को। अभी जर्सी पहुंच के वही सब काम करेंगे, पहले दिन डिसाइड कर लिया कि बाइक सीधा कार वॉश में डालेंगे। ऑल्सो अभी फ्यूल ज़्यादा भरेंगे नहीं बिकॉज ऑफकोर्स कनाडा में महंगा है, थोड़ा ट्रैफिक बता रहा है हैमिल्टन में। सरप्राइजिंगली अभी तक बॉर्डर में ट्रैफिक नहीं है। शोभित की बाइक का चेंज पे भी कर दिया निकले। राइट नाउ इट्स कितने बज रहे भाई, इट्स 12:05, ऑलमोस्ट 10 इन द मॉर्निंग एंड वी आर हेडिंग टू न्यू जर्सी। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है, कि अभी होटल्स हम लोग को मिल नहीं रहे, जो होटल $70-$80 के थे, मोटेल्स की बात कर रहा हूँ, होटल जो $100 के थे वो सब अभी 200-250 हो गए। तो एक द गार्डन एग्जीक्यूटिव होटल दिखा है रोहन के घर के बाजू में, रोहन के घर में बहुत सारे गेस्ट आए, तो उसके घर में फिलहाल हम 2 दिन नहीं ठहरेंगे, 3rd दिन ठहरेंगे। तो ये डाला है अभी कॉल पर तो उठा नहीं रहे, वहीं जाऊंगा सीधा बात करूंगा, अगर ये नहीं हुआ तो उसके आजू और 3-4 होटल है, आई एम श्योर कोई एक ना एक तो दे ही देगा। अब क्या करें, रहना तो है ही हम लोगों को, मेन मेरे को बाइक सेफ चाहिए। 12:10 अगर सही चलाया तो शायद 8:30-9 बजे पहुंच सकते हैं, अगर सही चलाया तो। DADR लगता है दादर लिखना चाहता था, लेट्स सी। चलो, और कल जिसकी इधर फोर्ड F-150 चोरी हुई, ट्रक चोरी हुआ, वो लेडी थी, वो एकदम चिल थी, हंस रही थी, भला हंस कैसे रही है, शायद इंश्योरेंस पैसा अच्छा देती रहेगी, पर स्टिल यार हमारी तो इंश्योर चीज़ भी चोरी हो जाए तो हमको तो बहुत बुरा लगे, दिल पे पत्थर रखना पड़े। अभी देखो हम लोग अभी 407 टोल रोड नहीं ले रहे, आते टाइम लिया था, लेकिन कैसा ना इस बार लंबा रहेगा तो मुझे नहीं चाहिए। बाइक जा रही है कैमरे से देख के लोग किसी को रोके वोके मस्ती करे, और शोभित की बाइक जो है ना वो US रजिस्टर्ड है, अगर हम लोग लेके जाते हैं और उसको टोल का पैसा भरने को आता है तो फिर ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो वी आर स्किपिंग द 407, वी आर गोइंग फ्रॉम 401 या नॉर्मल जो नॉन टोल रूट है। डिफरेंस आ रहा है 15 मिनट का, 15 मिनट हम लोग स्लोअर रहेंगे, बट आई थिंक बाइक है तो शायद मैनेज हो जाएगा, यानी थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट करके निकल जाएंगे। निकलने के पहले मैंने मैप डाला था तो मुझे टोटल 4 एक्सीडेंट्स दिखे टिल द बॉर्डर। या आजकल टोरंटो में एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं
इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है और लोग भी पता नहीं कैसे चलाते हैं आजकल, बिकॉज इतनी ट्रैफिक हो गई, इतने लोग हो गए हैं और अच्छे ड्राइवर्स भी नहीं है, तो हम लोगों को थोड़ा बच के चलाना पड़ेगा बिकॉज हम मोटरसाइकिल पे हैं। एंड इतना ख़राब ड्राइविंग देखूंगा लोगों का ये मैंने सोचा नहीं था। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू गो विद द ट्रैफिक से ओके जाना है। देयर इज समथिंग विद द विंड यार, क्या इधर तेज़ हवा आ रही है, पूरी बाइक हिल रही है। और सॉरी गाइस, इसके लिए इसको साफ़ करना पड़ेगा, बस अभी यही रास्ता लेना है। पूरी बाइक देखो ना, डैम सो, ये कौन सा मॉल है भाई, याद ही नहीं आ रहा मुझे कुछ भी। और कमाल की चीज़ नोटिस की मैंने कि लास्ट टाइम जब मैं सेम रोड से जा रहा था तो मुझे काफ़ी सारे पुलिस वाले मतलब कॉप कार दिखी थी, अभी इतनी दूर आ गया। अरे को बोला नहीं कि ऑपोजिट रोड पे कॉप कार दिखी, वो भी क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चालू है यूजुअली, और पब्लिक तो भगाती है बॉस आजकल, ऐसी मजाक नहीं है, सॉलिड भगाती है। और अभी जो ट्रैफिक दिख रहा है एकदम हाई स्पीड में, ऐसे कर्व हुआ और अचानक ट्रैफिक आ गया, तो सब गाड़ी वालों ने जो अर्जेंट ब्रेक मारा है, वो मेरी आगे वाली लड़की तो डरी गई, उसने तो उतार दिया येलो, उसके बाद मैं उसको ठोक दूंगा। तीसरा बाइकर आया है, या बाइकर नहीं आई है, पता है लड़की है शायद, सब लेन कटिंग करके जा रहे हैं, हम ईमानदारी से लेन फॉलो कर रहे हैं। यूजुअली टोरंटो में, ऑन्टोरियो में लेन कटिंग अलाउड नहीं है, और सब जाके ऐसा बोलते हैं अरे चलो तुम भी, मैंने बोला यार मन तो बड़ा कर रहा है लेकिन हम पकड़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हम भी चले, चलो आ जाओ। और वो राइट जा रहा है भाई, हमको लेफ्ट जाना है। सब ये ट्रैफिक तो साला खत्म ही नहीं हो रही, नेवर एंडिंग ट्रैफिक है, ये लोग क्यों रुक गए भाई, पिकनिक कर रहे हो इधर, शिफ्टिंग चालू है शिफ्टिंग, मेरे को बस इसी बात का डर है साले, सब लोग साला न्यूयॉर्क नहीं जा रहे हो यार। सो अगर मैं लेफ्ट से जाता हूँ द फॉल, नायग्रा फॉल वाला, ये वाला टोल से, ये 32 मिनट स्लोअर है, हम लोग बफेलो वाले साइड से जाएंगे क्योंकि थोड़ा फास्टर है। ये बॉर्डर ज़्यादा दूर नहीं है, तो तीन बॉर्डर होते हैं, एक तो होता है रेनबो ब्रिज वाला बॉर्डर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दूसरा होता है, अरे हवा हवा, दूसरा होता है नायग्रा ब्रिज वाला बॉर्डर, और ये तीसरा है जो कि मैं कभी लिया नहीं हूँ, जो गूगल मैप बता रहा था कि फास्टर है, तो यहाँ से जा रहा हूँ बिकॉज बाकी सब 30 मिनट स्लोअर है। होपफुली यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगे, बट आई डोंट थिंक लगेगा बिकॉज एज यू कैन सी 595 किलोमीटर्स के लिए 6 hours 1 minute, सो या आई गेस इट्स गोना बी गुड। बफेलो टू USA 4 kilometers क्रॉस करना ही पड़ेगा आपको, जो नायग्रा का जो पूरा पानी है नीचे का वो तो क्रॉस करना ही पड़ेगा ना बिडू। राइट में आ जाओ, राइट में आ जाओ, ये सब ओपन ओपन लेन है, तो यहीं से आने का क्लोज इसलिए बिकॉज आई थिंक सामने से गाड़ी आ रही है। एज यू कैन सी जाने के लिए उन्होंने दो लेन रखा हुआ है, आने के लिए एक, बिकॉज आते टाइम कम लोग आ रहे हैं। और ये देखो, वाओ लुक एट द वाटर मैन, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। नेक्सस कार्ड होता है जो कि कनेडियन और US सिटीजन के पास होता है, तो हम यहाँ से निकल जाते हैं, बट हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम कहाँ रहेंगे अब, तो किधर भी घुस जाएंगे यार, जो जल्दी चलेगा। एक काम कर शोभित, एक साथ क्रॉस करते हैं, ठीक है। देखो जी, ये होता है मोटरसाइकिल का फायदा, हम लोग लेफ्ट राइट करते करते जो आगे तक आ गए, ये जो हमारे टोल में ट्रैफिक होता है ना मुंबई मुलुंड थाने वाले हुए, वैसी फीलिंग आ रही है एकदम। आई एम सरप्राइज, ये बॉर्डर बहुत ही जल्दी जल्दी मूव हो रहा है, बट यहाँ पर भी अच्छे खासे लोग हैं, गाड़ी का नंबर प्लेट तो काफ़ी न्यूयॉर्क न्यू जर्सी वाले लोग हैं, ये तो सब मोटर होम वाले हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गाड़ियाँ, मतलब वी विल क्रॉस वेरी फास्ट, बहुत जल्दी छोड़ रहे हैं। अभी अगर कुछ चेकिंग वेकिंग हुई दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट ये हमारी यूनिफॉर्म देख के लोग चेक नहीं करते, एक बार क्रॉस जाने दो, मिलते हैं। तो अपना इमिग्रेशन ऑफिसर बहुत अच्छा था एक्चुअली, सारे मुझे अच्छे ही मिले, उसने फर्स्ट टाइम किसी ने मेरा विन नंबर चेक किया, यूजुअली विन नंबर चेक नहीं करते प्रॉब्ली बिकॉज यहाँ से बाइक वाइक सब चोरी भी होती है ना, तो जस्ट टू बी श्योर कि चोरी की बाइक नहीं है एंड ये प्लेट इंडिया की है, तो उसने वो चेक किया। एंड ऑफ कोर्स उसने पूछा तो यूट्यूब चैनल बनाता है, बोला है ना भाई अपना यूट्यूब चैनल है ना, थोड़ा देखूंगा। मैंने बोला मैं हिंदी में बात करता हूँ तो तुझे समझेगा नहीं, बट तू देख लेना एक बार। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है, स्पेशली साउथ से, जो लोगों को हिंदी नहीं समझती कि निखिल भाई जरा इंग्लिश में सब टाइटल डालो। सो डेफिनेटली इंडिया जाके मैं स्पेशली ये सीरीज़ के लिए आई विल वर्क ऑन दैट, बिकॉज बहुत लोगों को ये इंग्लिश में देखना है। और डबिंग भी कर सकता हूँ, बट डबिंग का मुझे अपने हवा ही अचानक डबिंग का मुझे प्रोसेस नहीं पता, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर शोभित, शोभित का हो जाएगा। यहाँ से सीधा अपन निकल जाएंगे सिटी ऑफ बफेलो में, हो गया शोभित। शोभित का तो एज यूजुअल ईजी होता है बिकॉज ऑफ द प्लेट, और अभी डालते हैं हम लोग, अभी सब माइल्स में हो जाएगा, हम अज्यूमिंग अभी सब माइल्स में हो जाएगा, हो गया माइल्स में, बॉर्डर क्रॉस किया सब ऑटोमेटिकली माइल्स में हो गया। देखता हूँ भाई सेम होटल है ना, अभी कभी ये वाला अगर नायग्रा फॉल जाना है वो भी जा सकते हैं यहाँ से, ऑब्वियसली हम लोग को जाना है न्यूयॉर्क सीधा इधर सिटी ऑफ बफेलो नायग्रा फॉल US। अरे बाप रे बाप, ये क्या हवा चल रही है भाई,
सुपर सॉलिड हवा चल रही है, वेदर बहुत अच्छा है भाई। देखो इट्स 21, थोड़ी देर पहले 25 था, तो मुझे सुबह तो काफ़ी गर्मी लग रही थी, यहाँ थोड़ा ठंडा हो गया है। प्रेडिक्शन है बारिश का, लेकिन वो रात को है, तब तक तो हम लोग होटल में भी पहुँच जाएंगे होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड। और अभी यूएस के साथ, अरे ये मस्त मुझे एग्जिट लगा, जब आप लोग वहाँ से एंट्री करते हो यूएस में, तो थोड़ा नॉर्मल सर्विस टाइप रोड रहता है, यहाँ से तो आते साथ सीधा हाईवे चालू हो गया बड़ा वाला। अभी मैंने शानिस को कॉल लगाया, शानिस से बात कर रहा हूँ, और बात करते करते अपन पेट्रोल भर रहे हैं। ऑफ कोर्स पेट्रोल हो गया सस्ता, देखो $17 थोड़ा टॉप तक भरेंगे। कितना अच्छा लग रहा है कि मेरा $20-21 में मेरा फुल टैंक हो जाएगा। कनाडा में तो भाई 30-35 के ऊपर कैनेडियन लग रहा था, मतलब पकड़ लो कि मुझे एवरी टैंक में $5-7 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था। शूट नहीं बोलूंगा, यूएस एंटर करके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी दोनों बाइक पे हमने फुल टॉप अप फुल कर दिया है, फ्यूल इसका $15 आया, मेरा $20 आया। अभी छः घंटा बता रहा है, लेकिन कितना टाइम लगेगा, मैं कुछ नहीं खा रहा, तो मैं बहुत खा लेता है, फीलिंग रियली वियर्ड। शोभित अपना वेजिटेरियन सैंडविच खा रहा है, अच्छा कन्वीनियंस स्टोर मिल गया 7-Eleven में, और मैंने विंडशील्ड थोड़ा साफ करने की कोशिश किया, लेकिन मच्छर ऐसे मरे हैं ना, निकल ही नहीं रहे, इसका भी थोड़ा किया है। और ये जो आदमी गाड़ी से निकला, ये बहुत अच्छा आदमी था, बोलता यू वांट ग्लास क्लीनर, आई हैव, मैंने ठीक है अभी साफ कर दिया है, मच्छर साले चिपक गए, वो प्रेशर वॉश से निकालना पड़ेगा उनको। एनीवेज सो फार सो गुड, इसका बैग थोड़ा लूज हो गया था, वो भी इसने टाइट कर दिया, और अपन का जो मिट्टी लगी इतने इधर झंडे की तरफ, वो भी मैंने साफ कर दिया, ये अच्छा दिखना चाहिए। 52 miles मोर, 5 hours 43 minutes अराइवल, देख सकते हो आप, लच्ची कैसे चलाते हैं हम लोग। वैसे ट्रैफिक नहीं मिली इतनी जितना सोचा था, तो अच्छा लग रहा है। पानी वानी भर दिया इसमें भी, शोभित ने भी अपने हाइड्रा पैक में भर दिया है, क्योंकि अभी आई डोंट थिंक रुकने की कोई ज़रूरत है, खाना वाना तो कुछ लेंगे नहीं हम लोग आज, हमारा बस मिशन ये है कि जल्द से जल्द चर्जी पहुँचना है। चलो काश यहाँ पर अपन ओवर स्पीड भगा सकते हैं, मज़ा आ जाती। बचपन में पेंटिंग करते थे तो कैसे क्लाउड्स ड्रॉ करते थे, वैसा लग रहा है। टीचर बोलते थे निखिल यू हैव पुट टू मैनी क्लाउड्स, लेट द स्काई लुक ब्यूटीफुल। तो अभी हम एक सिंगल लेन रोड पे है जिसका नाम है ओल्ड बिग ट्री रोड, पुराना बड़ा झाड़ का रास्ता। ओहो ऐसा लग रहा कनाडा में चला रहे, कनाडा के पूरे हाईवेज ऐसे ही थे। मैंने रूट 66 किया नहीं है, लेकिन मुझे देबू भाई ने बोला था कि वो ऐसा ही रास्ता है, मतलब एकदम जैसे छोटे छोटे टाउन आते हैं। पर झूठ नहीं बोलूंगा यार, आज मूड एकदम हाईवे पे चलाने का है, ये सब आ रहा है थोड़ा सुस्ती आ रही है। बीच में मस्त एक नेचुरल आइसक्रीम का, अरे रुक रहा हूँ वरना मैं निकल जाऊँगा, तू फंस जाएगा। वैसे मैं निकल जाता, बट फिर शोभित पीछे रह जाता, मुझे आगे रुकना पड़ता। थोड़ा पाक पाक आइसक्रीम देख के भूख लगी, मुझे वैसे तो भूख नहीं लग रही थी। अच्छा टाउन है, कौन सा टाउन है नो आइडिया। फाइनली इतने देर तक वो सिंगल लेन के बोरिंग रास्ते में नींद आ गई चलाने के बाद, फाइनली हाईवे लग गया भाई। हवा लगे तो लगे, लेकिन स्पीड ना घटे। ओहो आगे वाला क्या भगाया उसने यार, आरवी वाले ने, बढ़िया। अभी हम लोग 167 माइल्स पहले रुक गए हैं, फ्यूल इतना डलाना नहीं था, लेकिन थोड़ा भूख लगी थी बिकॉज कुछ भी खाया नहीं, तो छोपित ने खाया, मैंने अगेन छोटा सा चीज़ खाया बिकॉज मैं फास्ट कर रहा था, तो 20 घंटे बाद मैंने फास्ट थोड़ा, अभी थोड़ा सही लग रहा है, तो गिल्ट भी फील हो रहा है बिकॉज मुझे 24 घंटे का फास्ट करना था, और मुझे पता है होटल पहुँच के कुछ नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और होटल नहीं मिल रहा है, सारे होटल सोल्ड आउट है। अब क्या करेंगे, वही फिगर आउट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ये जगह पर रुके स्पीडवे, बहुत लंबा ब्रेक हो गया, बट देन इट वाज ऑल वर्थ इट बिकॉज हमारा रूम जो है बुक हो गया है। अगर हम निकल रहे हैं यहाँ से, बता रहा है 164 माइल्स ऑलमोस्ट 3 hours, बट कोई नहीं हो जाएगा अपना। चलिए क्या हुआ, मेरा इंटरनेट चले गया और मैं गलती से रोड पे आ गया, तो गलती जो है बहुत अच्छा हुआ, हमारा रूम बुक हो गया और पेट की पूजा भी हो गई और पेट्रोल भी भर दिया। अभी पेट्रोल भरने का कोई लफड़ा झगड़ा नहीं है। न्यूयॉर्क सिटी, बट हम न्यूयॉर्क सिटी नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं जर्जी सिटी। यूजुअली क्या करते हैं, एक बकरा पकड़ते हैं जो आगे तेज चला रहा है, उसके पीछे रहते हैं, उससे क्या एक सेफ्टी मिलती है कि यू नो हम वी आर फॉलोइंग द ट्रैफिक। तो आगे मेरी गाड़ी है ना, ये बार बार लेफ्ट हो रही है, राइट हो रही है, देखो फिर लेफ्ट हुई, देखो। तो ये तो थैंक गॉड, ये जो रबल जो भी रहता है भ्रम भ्रम जो होता है, उसके वजह से वो वापस राइट में आ रही है, वरना तो ये निकल ही गई रहती भाई। और लेडी है, मैंने उसको देखा पास करते हुए, ये समझ गई भाई मुझे लेफ्ट लेन से नहीं जाना है, मैं राइट लेन में चुपचाप आ जाती हूँ। हम भी राइट लेन में आ जाते हैं बिकॉज हम भी बहुत तेज चला रहे हैं। अभी पेंसिल्वेनिया एंटर किया और सब लोग क्या भगा रहे हैं यार, ये देखो ना एवरेज 133 किलोमीटर, मतलब 80-85 माइल्स पर चला रहे हैं सब लोग। देखो अभी सीन ये है कि 8:40 हो गए, सनसेट हो गया, जैसे थोड़ा सा लाइट कम हो गई है, और अभी आधे घंटे में एक घंटे फुल डार्क हो जाएगा, लेकिन अभी अपने को 80+ माइल्स जाना है, मतलब 130-140 किलोमीटर है, तो आई थिंक लास्ट का जो 50 माइल होगा ना, तो हम लोग को अंधेरे में करना पड़ेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे क्लीन वाटर चालू नहीं करनी है, बट स्टिल हो जाएगा, जब तक गाड़ी आए तब तक टेंशन नहीं, उसी के पीछे चलते रहने का।
बड़ा मुझे हिरन विरन का डर लगता है यार, शाम को साले रोड क्रॉस करते हैं वो। और गाइस अभी अंधेरा हो गया तो बिस्मिल्लाह कर देते हैं, क्लियर वाटर को फर्स्ट टाइम चालू कर देते हैं, और फर्स्ट टाइम गूगल मैप का नाइट मोड भी एक्टिवेट हुआ है। तो चलो 3, 2, 1 टपाक। ओहो, बस बंद कर देता हूँ ना, आगे वाली गाड़ी को लगेगा तो उसको अपर मार रहा हूँ। पहुंच गए। कितने बजे एग्जैक्टली रीच हुए हम लोग? 10 बजे एग्जैक्टली पहुंच गए हम लोग जर्सी, हमारे फाइनल डेस्टिनेशन है। आई वुड से दिस इज द एंड पॉइंट कर दिया भाई, यकीन नहीं होता कि 11 को शुरू किया और अभी 8 को ख़त्म कर दिया हमने। इट वॉज ऑन हेल ऑफ अ राइड। अभी बस रूम मिल जाए भाई, कहीं पर भी रूम नहीं मिल रहा था, कैसे तैसे करके हमने अपने सब्सक्राइबर को फ़ोन किया जो कम्फर्ट इन में काम करता है ह्यूस्टन में। थैंक यू सो मच यश कि हमेशा की तरह यू बैक्ड अस अप। एंड अभी होटल जाते चेक करते हैं, वैसे तो ट्विन रूम था नहीं, वहाँ पर पार्किंग खाली थी, तो शोहित बोलता अरे खाली रहेगा। जैसे ही यहाँ पर आए तो वो साइड पूरी पार्किंग फुल थी। अभी अंदर जाता हूँ, भूख बहुत लगी है, अभी फाइनली अपना मैं प्रॉपर खाना खाऊंगा। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को एक्चुअल में समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने क्या किया है। बहुत बड़ी चीज़ है, मैं मानता हूँ पहले भी लोगों ने किया, लेकिन हमारे लिए हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से ये बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू सो मच शोभित भाई, मतलब हमारी जुगलबंदी जो शुरू हुई थी, मतलब ये चीज़, देखो ये चीज़ करना ना सबके बस की बात नहीं होती, बिकॉज बहुत कठिनाई आती है, प्रॉब्लम्स आती है। आप जो देखते हो सिर्फ वो नहीं, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि सब मन नहीं करता शेयर करें, बहुत सारा दुख दर्द होता है, फिर वो नेगेटिव वीडियो बन जाता है। लेकिन ये जर्नी इतनी स्मूथ हुई कि मैं बता नहीं सकता। बाकी जो बारिश दर्द वर्द आपने देखा वो तो हुआ ही हुआ। अभी जब इंडिया जाएंगे तब हमको रियलाइज होगा कि हमने क्या किया है। ये देख मेरा मैग्नेट पे क्या चिपका है, सिक्का चिपका हुआ था नीचे डीजे के मैग्नेट पे, कोई नहीं ऊपर आने वाले, ले बेटा तेरी बख्शिश, तूने बहुत अच्छा काम किया है। गाइस थैंक यू वेरी मच वाचिंग दिस व्लॉग टिल हियर। ये व्लॉग अच्छा लगा डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करो। दिस इज ऑलवेज शुक्रान, अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट ऑल लवली फ्रेंड्स। आज सभी को शपथ, ठीक है, बाय बाय।